हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीज ब्यूटीटिस एंड ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या फिर हेयर कट टिप्स, स्किन केयर टिप्स या फिर मेकअप वीडियो कुछ भी नहीं लेकर आ रही। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो हो मैं कैसे अपना वीडियो शूट करती हूँ, बिहाइंड द शूट ऑफ माई वीडियो मैं कैसे करती हूँ, बिना रिंग लाइट बिना स्टैंड के कैसे एक फ़ोन से मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ, आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग वैसे भी मुझे बहुत सारा प्यार दिए हो और आगे भी देंगे मुझे पता है, और देना भी है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है हेयर केयर करना, स्किन केयर करना। वैसे भी मैं वैसे घर में करती थी पहले भी, लेकिन कुछ साल पहले मुझे लगा कि मुझे जितना कुछ पता है मैं इतना नॉलेज गेन करती हूँ कैसे, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी का हेल्प में आ रही हूँ, किसी के काम पे आ रही हूँ। तो मैं आज ज़्यादा बकबक बिना बकबक करे मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगी मैं कैसे अपना जो मैं वीडियो शूट करती हूँ कैसे करती हूँ। सच बोलो तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह होगा। जिन लोगों नए हैं इस प्लेटफॉर्म में, जिन लोगों को पता नहीं है कैसे वीडियो शूट करते हैं विदाउट स्टैंड, एक सिंपल फ़ोन से, रिंग लाइट भी नहीं है लेकिन अच्छा खासा वीडियो क्वालिटी कैसे लाए, और मैं इतना भी कम सब्सक्राइबर भी नहीं है, कुछ दिन बाद 1000 क्रॉस कर जाऊंगी। अभी भी थोड़ी देर टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत इरेगुलर हूँ। अगर मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालती तो ये कब की मैं वाला जो वो पिलर था 1000 सब्सक्राइबर वो मैं कर चुकी होती। आप लोग तो वैसे मुझे बहुत सारा प्यार देते हो, कमेंट करते हो, इस रिलेटेड वीडियो बनाओ, उस रिलेटेड वीडियो बनाओ। मैं आप लोगों को ज़्यादातर बोलती हूँ कि कल अपलोड करूँगी, दो दिन बाद, एक हफ्ते बाद, कुछ ना कुछ इश्यूज़ में आप लोगों के साथ बोलती हूँ कि मेरा फ़ोन ख़राब है, स्टैंड नहीं है, अभी मैं सिस्टर के घर पर हूँ, अभी मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसे करके एक्सक्यूज़ देती हूँ। लेकिन क्यों देती हूँ? अगर आप आज मेरा सारा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे अपना वीडियो शूट करती हूँ। जैसे कि मैं अभी घर पे हूँ, अगर मैं घर पे नहीं भी होती, अगर बाहर जब मैं यूपी में थी तब भी जब मैं उधर वीडियो शूट करती थी, कैसे करती थी, उधर भी स्ट्रगल करके मैं वीडियो बनाती थी। मेरे सिस्टर के घर में उधर भी मैं जुगाड़ करके वीडियो बनाती थी, और बेंगलोर में पहले जब गई थी उधर भी मैं ऐसे ही कुछ जुगाड़ करके बैकग्राउंड जैसा भी वो मैं वीडियो बनाती थी और छोड़ देती थी। और घर में मेरा लॉन्ग वीडियो सिर्फ एक ही मैं घर में शूट करी थी, वही लास्ट था। अभी ये दूसरा टाइम जो वीडियो है ये मैं घर में शूट कर। वैसे सपोर्ट की बात करा जाए तो घर वालों को उतना पता नहीं है कि मैं क्या करती हूँ किधर क्या, क्योंकि मैं घर में शूट करती नहीं हूँ। मेरे सिस्टर लोगों को पता है, सिस्टर को, सास को पता है, उन्होंने मुझे बहुत सारी हेल्प किया है जब मैं हेयर स्टाइलिंग का वीडियो करती थी, लेकिन घर वालों को इतना पता भी नहीं है और मैंने बोला भी नहीं है मैं क्या करती हूँ कैसे करती हूँ। अभी जब मैं घर में आई हूँ मैंने सोचा बैंगलोर जाने से पहले कुछ वीडियो अपलोड करके जाऊँ, तो मुझे उधर जाके जब ड्यूटी का स्ट्रेस भी रहेगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं कब का वीडियो छोड़ना है, ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं दो चार वीडियो अपलोड करके रखूँगी अभी से। तो मेरा पहला जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा जो घर में सिर्फ दो ही रूम है उसमें बहुत सारा थिंग्स है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, दो ही रूम है उसमें इतना ज़्यादा सामान फुसा भरा है कि थोड़ी सी भी स्पेस नहीं है कि मैं उधर जाके वीडियो बनाऊँ। फिर घर में चार मेंबर रहते हैं, सब इधर उधर सोए रहते हैं, उन लोगों का भी काम रहता है, तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं घर में वीडियो शूट करूँ, और उन लोगों को पता भी नहीं मैं क्या करती हूँ, इसलिए मैं घर में नहीं वीडियो करती हूँ। तो आज मुझे एक अच्छा सा जगह मिला है, मैं जिधर ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं दिखाऊँगी मैं कैसे अपना वीडियो शूट करती हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर। ये वीडियो जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये वाला बैकग्राउंड मेरा हर वक्त नहीं रहता, मेरा प्लेस के साथ साथ ये बैकग्राउंड भी चेंज होते रहता है। आज मेरे मम्मी घर पे नहीं है, ड्यूटी गई है, इसलिए मैंने सोचा
ये बैकग्राउंड मतलब आज ही एक वीडियो शूट करूँ, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्टेड वीडियो थी और मैंने इसी बैकग्राउंड पे वो वाला रिक्वेस्ट वीडियो बनाई थी। आप चाहो तो देख सकते हो। ये 2023 के जून में मैंने मतलब ये वाला शूट किए थे। एक साल लग गया मुझे ये वीडियो अपलोड करने में, तो उसके लिए सॉरी। तब ये मेरा बैकग्राउंड था, बस एक दिन के लिए था, क्योंकि उसके अगले दिन ही मुझे बेंगलोर जाना था। ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो भी आप चैनल खोल सकते हो, वीडियो लोड कर सकते हो, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं मैटर करता, फ़ोन भी नहीं मैटर करता, स्टैंड, रिंग लाइट कुछ भी नहीं मैटर करता। जो मैटर करता है वो है आपका कंसिस्टेंसी और आपका उस काम को करने के लिए जितना मतलब मन में उतना लगन होना चाहिए उस काम के लिए, तो ये आप भी कर सकते हो। मैं आज जो आप लोगों के साथ बोल रही हूँ, शायद मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन मुझे जितना भी सब्सक्राइबर मिली है उससे ज़्यादा व्यूज आती है, क्योंकि शायद लोगों ने मेरा वीडियो को पसंद करती थी इसलिए। लेकिन मैंने 8 महीना, 1 साल, 6 महीना ऐसे करके करके वीडियो अपलोड करती थी, मतलब 1 ईयर में बस 2 या 3 ही वीडियो अपलोड करती थी। ड्यूटी का स्ट्रेस था, ये मैंने हर वीडियो में बोला। और जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, मैं जब यूपी में थी तब मेरा बैकग्राउंड अलग था, मैं सिस्टर के घर में भी बैकग्राउंड अलग है। कभी विंडो के ऊपर फ़ोन रख के मैं करती हूँ, कभी चेयर के ऊपर, तो कभी ट्रॉली बैग है उसके पीछे कुछ सपोर्ट देती हूँ। ट्रॉली बैग का जो टनने का जो ये है उसके साथ ही मैं फ़ोन को अटक देती और वीडियो शूट करती। और मेरे पास एक छोटा सा ट्राइपॉड मुझे मिला, मैं किसी और से लिया था, बहुत ही छोटा, मतलब उसमें फ़ोन भी अच्छे से अटक नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें भी मैंने टेप वगैरह लगा के रखी थी। तो आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड रेडी है। इधर मैंने जुगाड़ लगा के चेयर के ऊपर कुछ पिल्लो रख के, उसके ऊपर बक्स रख के, उसके ऊपर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर भी उतना हाइट नहीं है यार, मैं ऐसे ही ये वीडियो शूट की थी। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी। तो मैं आज आप लोगों को सब दिखाऊंगी मैं कैसे अपना वीडियो शूट करती। अगर ऐसे ही वीडियो आपको इन डिटेल्स चाहिए तो मैं और एक वीडियो लाऊंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।